जय भीम दोस्तों, भारत दस्तक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को भोजन समाज के बारे में काफी सारी अपडेट मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं पर स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सी खबर मिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहली अपडेट निकल के सामने आ रही है वो आ रही है संजली हत्याकांड को लेकर। दोस्तों संजलि बहना की जिस तरह से हत्या कर दी गई है, ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है। दोस्तों इसको लेकर भोजन समाज में काफी ज्यादा आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन और कैंडल मार्च देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा संजलि बहना के घर पर गए थे। उन्होंने वहां पर जाके कहा है कि संजलि का परिवार एक बहुत आम परिवार है और साधारण जीने वाला परिवार है। दोस्तों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि जल्दी से घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और पुलिस कैसे भी आरोपियों को पकड़कर लाएगी और उन्हें ढूंढ के रहेगी। ये तो हो गई वो बात जो दिनेश शर्मा जी ने वहां पर कही, लेकिन दोस्तों वहां पर उन्होंने एक बात और कही कि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री द्वारा पीड़िता के परिवार को 5 लाख रुपए की मुआवजे के रूप में धनराशि दी जाएगी। दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताना, आज से कुछ महीने पहले ही रोहित तिवारी नामक एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यूपी पुलिस द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मार के। दोस्तों उस मामले में पता आपको धनराशि कितनी दी गई थी मुआवजे के रूप में? 40 लाख रुपए धनराशि दी गई थी और उनकी जो वाइफ थी, रोहित तिवारी जी की वाइफ थी, उनको ए ग्रेड की सरकारी नौकरी। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि ए ग्रेड की सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसकी पेमेंट कितनी ज्यादा होती है और पोस्ट कितनी हाईफाई होती है ए ग्रेड की सरकारी नौकरी, और 40 लाख रुपए का मुआवजा। अब आप लोग इस मामले में देखिए, हमारी बहन संजय के मामले में देखिए, एक भोजन समाज की बेटी, एक दलित समाज की बेटी के बारे में देखिए कि धनराशि सिर्फ 5 लाख रुपए, ये बहुत बड़ा भेदभाव है दोस्तों भोजन समाज के साथ। दोस्तों यहां पर मैं कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूं कि उनको 40 लाख दिया या 5 लाख दे रहा हूं, लेकिन आप एक भेदभाव का अंतर देखिए कितना है यूपी सरकार के बीच में, एक मनुवादी सरकार के बीच में। हमने हमारी करोड़ की बहन को खोया है, उसके सामने 50 लाख 40 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी बहन की जान तो करोड़ों की थी, लेकिन एक मुआवजा होता है, एक सहायक राशि होती है, परिवार को कुछ देने की बात आती है, तो उस समय एक डिस्क्रिमिनेशन देखिए जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट पैदा कर रही है। एक स्वर्ण, एक उच्च जाति का व्यक्ति मरता है तो उसे मुआवजे में 40 लाख, परिवार को ए ग्रेड की नौकरी, सब कुछ दिया जाता है, और यहाँ पर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री तक मिलने नहीं आते हैं, उप मुख्यमंत्री मिलने आते हैं दिनेश शर्मा, और वो आके सिर्फ थोड़ी सी बात करके चले जाते हैं, तक कहते हैं कि पुलिस आएगी ढूंढ लेगी आरोपियों को, लेकिन और सिर्फ 5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे के जाते हैं, और परिवार के किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता अनुसार नौकरी भी नहीं मिल रही है यहाँ पर। दोस्तों मैंने तो यहां तक भी सुना है और यहां तक भी काफी सारे पोस्ट में पढ़ा है कि जो आगरा के डीएम है उन्होंने सहायक राशि के रूप में मुआवजा सिर्फ 50,000 रुपए डिक्लेयर किया है, सिर्फ 50,000 रुपए। दोस्तों आप लोग भी देखिए इस डिस्क्रिमिनेशन को, इस भेदभाव को जो मनुवादी लोगों द्वारा हमारे साथ किया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली जो बात है भोजन समाज से, मैं वो करना चाहता हूँ कि मीडिया को हमारे देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन दोस्तों बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, तो देखिए दोस्तों मैं उनका डिस्क्रिमिनेशन बताता हूँ आप लोगों को किस तरह से होता है भोजन समाज के साथ। कोई भी स्वर्ण व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है तो मीडिया उस बात को इतनी तूल देता है, उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देता है, लेकिन आप संजली के मामले में देख सकते हैं कि मीडिया ने कितने दंगल किए, कितना हल्ला बोला और कितने प्राइम टाइम चलाए। अगर यही बात किसी स्वर्ण के साथ हो जाती तो दोस्तों मीडिया इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना देता और सरकार से अपील तक कर देता, यहां तक कि सरकार को घेरना शुरू कर देता इस मामले में, और सरकार को खुद सामने आना पड़ता इस मामले में। आपने देखा होगा, आप लोग न्यूज देखते होंगे, मीडिया ने इस मामले को ज्यादा तूल दी ही नहीं या ज्यादा इसके बारे में विचार किया ही नहीं और ज्यादा इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दोगले रवैये को लेके एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ बातें कही है अपने एक वीडियो में, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। जिस प्रकार तिवारी जी के मामले को आपने दिखाया, अगर उतनी दिलचस्पी कक्षा 10 में पढ़ने वाली एक नाबालिग हमारी बहन के मामले में आपने दिखाई होती तो मुझे सवाल नहीं उठाना पड़ता।
जिस तरह से आपने खबर का ब्लैकआउट किया। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि संजली हत्याकांड को लेकर लोगों में कितना आक्रोश है, बहुजनों में कितना आक्रोश है। तो दोस्तों ऐसा आक्रोश मुझे देखने को मिला है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बोर्ड ऑफिस है जहां पे बाबा साहब की प्रतिमा है, वहां पर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, एक रैली निकाली और धरना प्रदर्शन दिया, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा नारेबाजी की और संजली बहना के हत्यारों को ढूंढकर उन्हें फांसी देने की मांग की है। तो दोस्तों उसकी एक क्लिप है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देखिए उस क्लिप को। संजली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। संजली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। संजली हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि भोपाल के बहुजन समाज के लोग भी इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित है। दोस्तों अगली खबर भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद भाई क्या बोलते रांची गए थे, झारखंड की राजधानी रांची गए थे, वहां पर उन्होंने जाके एक रैली को संबोधित किया। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं मानेंगे वहां पर काफी सारी भीड़ थी, मैंने देखा उस वीडियो को लाइव देखा था फेसबुक के माध्यम से, वहां पर काफी ज्यादा भीड़ थी और भाई चंद्रशेखर आजाद ने वहां पे काशीराम साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए उनकी बातें वहां के लोगों को बताई, बहुजन समाज की मूवमेंट वहां के लोगों को बताई और उन्होंने वहां पर यह भी बताया है कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार क्यों दिया था। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो के माध्यम से खुद ही देख लीजिए। आप ये बताओ बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, वन वोट वन वैल्यू। बाबा साहब ने कहा राजी का पेड़ काटते रहो, अब राजा की वोट से पैदा होगा। उसके बाद साहब काशीराम ने हमें कहा कि वोट की सुरक्षा बहु बेटी की इज्जत की तरह करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मुझे नीचे लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया है। दोस्तों अगर आप लोग भोजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं, भोजन समाज की हर खबर जानना चाहते हैं, भोजन समाज की सच्चाई जानना चाहते हैं और क्या क्या भोजन समाज में हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है और उसके बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है, उस नोटिफिकेशन बेल के ऑप्शन को दबा दीजिएगा जरूर, क्योंकि उससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।